पर बिग बॉस सीजन 15 का शानदार आगाज हो गया है और पहले ही दिन बिग बॉस सीजन 15 के पहले एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी के 3 कंटेस्टेंट का स्वागत हुआ। जी हाँ, कंटेस्टेंट का नाम है शमिता सेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल। जहाँ पर शमिता सेट्टी का क्लास लेते हुए और साथ ही साथ शमिता सेट्टी को एडवाइस देते नजर आए हैं सलमान खान। वह क्या कुछ एडवाइस दिया है सलमान खान ने शमिता सेट्टी को शो को लेकर, चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के शानदार प्रीमियर नाइट के बाद अब बिग बॉस सीजन 15 के 3 कंटेस्टेंट यानी बिग बॉस सीजन 15 में 3 बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट अब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, शमिता सेट्टी के स्टेज पर आते ही शमिता सेट्टी से पहला सवाल था सलमान खान का कि आखिरकार आप बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले में पहुँच कर बिग बॉस ओटीटी को जीत क्यों नहीं पाए। जहाँ शमिता सेट्टी ये कहते नजर आए कि मैं हर रियलिटी शोज के फिनाले में तो पहुँचती हूँ लेकिन विनर नहीं बन पाती। वहीं पर सलमान खान उन्हें एडवाइस देते नजर आए कि आप विनर बनेंगी लेकिन अगर आप सोलो खेलेंगी और इंडिपेंडेंट खेलेंगी तो ज़रूर विनर बनेंगी। हालांकि बिग बॉस ओटीटी नहीं लेकिन बिग बॉस सीजन 15 में अगर आप इंडिपेंडेंट खेलती हैं तो ज़रूर विनर बन सकती हैं। वह साथ ही साथ सलमान खान ने शमिता सेट्टी को ये भी कहा कि इस बार भी बिग बॉस ओटीटी की तरह प्यार व्यार में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो बिग बॉस सीजन 15 से भी आपका पत्ता जल्द ही कट जाएगा। वह शमिता सेट्टी ये कहती नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस ओटीटी में प्यार व्यार में के चक्कर में बिग बॉस ओटीटी को जीत नहीं पाई। वह शमिता सेट्टी का तो देखना बाकी है क्या आखिरकार वो कैसा कुछ गेम खेलने वाली है बिग बॉस सीजन 15 के घर में। वेल, आप बताइए आपको कैसा लगा है सलमान खान का एडवाइस शमिता सेट्टी के लिए। क्या आपको भी लगता है कि शमिता सेट्टी के लिए ये एडवाइस सच में काफी इंपॉर्टेंट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।